गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग? मैं बढ़िया, आशा करता हूँ आप लोग भी अच्छे होगा। सो वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज का ब्लॉग कुछ अलग ही है, चल रहे हैं कहीं बाहर, मतलब दिल्ली में ही चल रहे हैं लेकिन बाहर चल रहे हैं। तो उससे पहले जब पर मैं बताऊँ कहाँ जा रहे हैं, उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। मैं अभी जो जा रहा हूँ गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस, बहुत दिनों से सोच रहा था, जा नहीं पा रहा था। तो रीजन तो पता है, ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं। तो अब मैं वहाँ के लिए निकल रहा हूँ गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस के लिए। वहाँ जब चलूँगा वहाँ का दिखाऊंगा क्या कैसे, सुना तो बहुत चीज़ें हैं वहाँ के बारे में, लेकिन देखते हैं क्या है वहाँ पे। घर से निकलते ही दिल्ली आ जाती है और दिल्ली में घुसते ट्रैफिक स्टार्ट हो जाता है। देखो किस तरीके से ट्रैफिक बनाने लगा पड़ा है और कैसे रोड पर हम लोग चल रहे हैं। सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसलिए ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है। तो दोस्तों आपसे दो सवाल है। पहला सवाल, क्या ऐसे जगहों पर जैसे गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस हो गए, ये सब जगहों पे ऐसे चीज़ें होनी चाहिए? इसको बढ़ावा तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ही दे रही है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ की टाइट हो जाए तो क्यों ये सब होगा? पहला सवाल तो ये था कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर हो भी रहा है तो क्या 3,000 रुपये देने के बाद किसी की प्राइवेसी लीक करना सही बात है? या हाँ या ना में बताना मुझे। 35 रुपये में जाओ, अपना इन्जॉय करो जितने देर इन्जॉय करना है, उसके बाद आ जाओ। तो 35 रुपये में मिनी ओयो बना रखा है जिसके लिए कह रहे हैं कि 3,000 रुपये दो, आप कुछ भी वीडियो शूट आउट कर सकते हो, वहाँ पे शूट कर सकते हो। तो क्या ये सही है? ये सब वीडियो देखने के बाद इस सवाल का जवाब मुझे देना ज़रूर। तो आगे आप वीडियो एंजॉय करो और सवाल का लास्ट कमेंट में जवाब ज़रूर देना। तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस, द गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस, और मैं यहाँ पर आपको 5 सेंस दिखाऊँगा। अंदर चलते हैं फिर दिखाता हूँ 5 सेंस। वैसे जो चार्जेस हैं, ये है सामने जो चार्जेस हैं, अप्रैल टू सितंबर टाइमिंग है 9 to 7 PM, 9 AM टू 7 PM, एंड अक्टूबर टू मार्च जो टाइमिंग है 9 AM टू 6 PM। एडल्ट्स 35, बच्चे जो हैं 5 से 12 साल 15 रुपये के हैं, सीनियर सिटीजन के भी 15 रुपये के हैं। अगर आप प्रोफेशनल कैमरा लेके जाते हो 3,000 प्लस GST लगता है, फैमिली सूट पोर्टफोलियो के लिए भी 3,000 प्लस GST लगता है। तो हम तो चलते हैं पहले टिकट लेते हैं, मैं पहले चल के टिकट लेता हूँ फिर आगे अंदर चलते हैं कैसा क्या है, देखते हैं। गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस में फर्स्ट टाइम आया हूँ, देखते हैं कैसा रहता है। तो गाइज़ मैं गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन हैं कैमरा को लाने के लिए लेके। तो आपको भी अगर आप आते भी हो तो गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस में बहुत सारे मतलब रेस्ट्रिक्शन के साथ आना पड़ेगा। आपको कैमरा लाना है, उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। सारी चीज़ें मैंने भी कुछ एक्स्ट्रा चार्ज दिए हैं, जो देने के बाद ही मैं अपना छोटा सा कैमरा जो GoPro का कैमरा है वो लेके आ पाया हूँ। बाकी जो रेस्ट्रिक्शन है बहुत सारी चीज़ें जो बताऊँगा आपको, रिस्ट्रिक्शन जो है कपल का वीडियो हम नहीं ले सकते हैं कुछ भी, मतलब वैसे भी नहीं लेना चाहिए, किसी की प्राइवेट लाइफ है वो प्राइवेट लाइफ में हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते। मैं अपना ब्लॉगिंग करने के हिसाब से लेके आता हूँ, जो मैं गार्डन को दिखाने के लिए आया हूँ तो गार्डन दिखाऊंगा, बाकी किसी की लाइफ डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तो मैंने बोल दिया उसे, वो मान भी गया है। देखो तो स्टार्टिंग अपना यहाँ से है, ये देखो ये है स्टार्टिंग है। ये है अपना मैप, गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस का मैप है। एंट्रेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, प्लाजा है, खासबाग है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कोर्ट ऑफ स्पेसिस। तो मैप के हिसाब से चलते हैं। अभी हम हैं मैप में एक नंबर, यहाँ पे एक नंबर होगा एंट्रेंस, अभी हमें राइट में जाना है, 2 नंबर ऐसे करते हुए चलना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे। ये हाथी के शेप के बने हुए हैं। बाकी जो गार्डन बना हुआ है नॉर्मली आप देख सकते हो गार्डन को, वैसे बहुत सारे कपल बैठे हुए हैं। अभी यहाँ पे सारा जो फाउंटेन है वो सारा बंद कर रखा है, जब फाउंटेन चलता है बहुत ही अच्छा रहता है। चलते हैं सामने की ओर। कितनी शांति है यहाँ पे। एक्चुअली इधर ना यार पता ही नहीं चल रहा किधर जाना है किधर नहीं जाना, मैप तो देख लिया, मैप तो कब का भूल गया, अब किधर जाना है किधर नहीं जाना कुछ पता ही नहीं चल रहा है, बस चलते चले जा रहे हैं। चारों तरफ ही हरियाली है और हरियाली के बीच में सारे कपल बैठे हुए हैं, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है वीडियो शूट करने में। चलते चलते हैं, देखते हैं कहाँ क्या है।
खाने पीने का भी स्टॉल अंदर है, राजा चाट भंडा। चलते हैं इधर से आगे, देखते हैं कैसा है। तो अभी मैंने पूछा अभी फाइव सेंसेस वाला इधर है, तो चल के वो देखते हैं पहले फाइव सेंसेस वाला किधर है, क्या है फाइव सेंसेस, फिर आगे देखते हैं। द आर्क ऑफ लवना इज द लार्जेस्ट ऑफ मोस्ट ऑर्नेट नोज टू हैव बीन बिल्ट बाय देम। एंड ये जो है आर्क ऑफ लवना है। तो अच्छा जो फाइव सेंसेस है वो यहाँ पे हैं। अब चलते क्या क्या है। सबसे पहला जो है टच का है, स्पर्श टच है, टच सेंस का बताया गया है। और ये दूसरा जो बताया गया है स्मेल का बताया गया है। तो दो सेंस हो गए। एंड थर्ड वन इज साउंड सेंस, जो थर्ड वन है साउंड का बताया गया है, साउंड का बताया गया है। एंड द ये है साइट, मतलब देखना दृश्य, दृश्य। एंड द लास्ट वन दैट इज टेस्ट, द फाइव सेंसेस ऑफ गार्डन। तो ये फाइव सेंसेस हैं गार्डन के। ये पुराने जमाने के थे वो सारे पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे वेद पार्क में बना हुआ था यहाँ भी वैसे ही बना हुआ है कुछ। आगे सारा पानी जंगल है, उधर नहीं जाते हम। कितनी वीडियो नहीं बना पाएंगे। यहाँ चलते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ पे इस तरफ ईस्ट बाजार है, पश्चिम बाजार है, सोलर पार्क है, रंगमंच है, एंड टॉयलेट है। हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। अंदर में छोटे छोटे बाजार टाइप में लगे हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलती हैं। लॉक लगा हुआ है, अच्छा गार्डनिंग की हुई, मतलब सारा अंदर में गार्डनिंग किया हुआ है और लॉक लगा हुआ है। तो चलते हैं अब आगे। मतलब आप किधर भी चले जाओ, यहाँ पे तो सारे ही कपल दिख रहे हैं। वीडियो बनाना इतना मुश्किल हो गया है ना, हर जगह पे देखोगे, मेरे पीछे भी देख रहे होगे। अब जिधर भी देखोगे उधर ही कपल है। तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, ये है क्या। यहाँ भी देख लो, मतलब ये मिनी ओयो हो गया है, द गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस मिनी ओयो। तो अब यहाँ से चलते हैं, ऐसा कुछ देखने के लिए है ही नहीं, बस कपल के अलावा कुछ नहीं है। कपल सब फैमिली के साथ तो आना ही मत कभी भी यहाँ पे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो तभी आना, 35 रुपये में आपका काम हो जाएगा। बाकी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा फैमिली के लिए, फैमिली के लिए नहीं है। इसलिए मैं पहले आके अकेले देखा, अगर अच्छा होता तो बेटे को भी लेके आता, बेटा भी बोल रहा था, लेकिन अब लाने की ज़रूरत ही नहीं है। उसे वीडियो दिखाऊँगा चीज़ें काट काट के बस।
ये क्या है, चल के देखते हैं क्या बना हुआ है। अच्छा कुछ भी नहीं, बस ऐसे एक रास्ता बना हुआ है और कुछ भी नहीं है, सिंपल। तो द गार्डन ऑफ फाइव सेंस का एक्सपीरियंस मेरा ही खराब, मतलब एज ये देखो तो वहाँ पे आपको फैमिली के साथ आ नहीं सकते हो, बट आते आते मेरा एक छोटी सी लड़ाई हो गई, छोटी सी लड़ाई बहस हो गई कि भाई मैं कपल का वीडियो बना रहा हूँ, जबकि मैं कपल का वीडियो बना ही नहीं रहा था। मैं बहुत जगह कैमरे अपने डाउन कर लिया कपल की वीडियो की वजह से, लेकिन ये कहने के लिए तो कह लो मिनी ओयो है, तो फैमिली के साथ तो आना ही मत। और ये लोग जो घूम रहे हैं 3500 प्लस चार्ज, 3500 के 3000 रुपये प्लस GST दे दो तो आप यहाँ पे ब्लॉगिंग कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, तो इनके लिए तो सलाम है। मतलब 3500 रुपये दे दो तो आप कुछ भी, किसी का भी प्राइवेसी ख़राब कर दो, और 3000 रुपये नहीं दे रहे हो तो किसी की प्राइवेसी ख़राब मत करो, ये इनका कहना। अभी मेरी एक बहस हो गई, वो बोला कि आप वीडियो बना रहे हो किसी कपल का, मैंने बोला कपल का तो मैंने वीडियो बनाया नहीं, तो इसी पे बोलता कि नहीं आप 3000 रुपये प्लस GST दे दो, आप कुछ भी बनाओ मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप 3000 रुपये नहीं दोगे तो किसी की प्राइवेसी भंग नहीं करोगे। मतलब 3000 रुपये में गार्डन ऑफ सेंस में प्राइवेसी भंग हो रही है, आप प्राइवेसी भंग हो रही है। मतलब 3000 प्लस GST दे दो, उसके बाद आप आराम से सब कपल के वीडियो बनाते रहो, कोई रोकने वाला नहीं है, सिक्योरिटी भी आराम से आपकी हेल्प करेगा 3000 रुपये देने पे ही। तो यहाँ का ये हाल है, वैसे भी फैमिली के साथ आने के लिए है नहीं, आप नॉर्मली फैमिली के साथ मत ही आना, ये मेरा सजेशन है। सिंगल भी घूमने के लिए कुछ भी नहीं है गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस में, वो जो फाइव सेंस है वो भी एकदम मतलब एक कोने में फेंका हुआ है, इस तरह से कोने में फेंका हुआ है कह लो, तो वहाँ जाने की मतलब गंदगी फैली पड़ी, मतलब साफ, मतलब जितना सारा गार्डन साफ है उतना वो नहीं साफ है। तो बस जस्ट नाम है गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस, बट इसको मिनी ओयो बोल सकते हैं। आप लोग का क्या सजेशन है बताना। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, बताना जरूर कि 3000 रुपये दे के किसी की प्राइवेसी खराब करना और गार्डन में ये जो हम फैमिली के साथ आते हैं गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस में, नाम सुना फैमिली के साथ आए तो क्या ये सही है, हो रहा है यहाँ पे ये गार्ड या जो भी है करना सही है क्या, कर रहा है कभी कोई कुछ कर रहा है, मतलब आप आंख उठा के देख भी नहीं सकते हो, ये हाल है यहाँ पे। बैचलर हो तो मस्ती तो करोगे लेकिन फैमिली के साथ आंख उठा के देख भी नहीं पाओगे आप ठीक से, ये हाल है, कोई भी आपके लिए जगह नहीं फैमिली के लिए यहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, अपना कमेंट जरूर देना।